अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू बोतल चाट, जो बहुत अच्छी लगती है और बच्चों को बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आपके बच्चे भी खुश होंगे, आप भी बनाए। चले मेरे साथ, आप बनाना सीखें इसे। तकरीबन ये 400 ग्राम आलू हैं। ये चार आलू थे, जो दो तो ज़्यादा गल चुके हैं और दो अभी ये हैं। वैसे हमें इन्हें मैश ही करना है, तो इन्हें अच्छे से मैश कर लेते हैं। और इसमें आधा चम्मच से कम नमक डाल देते हैं। मैंने आधा कप कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर मिल जाए तो आपको कॉर्नफ्लोर ले लें, नहीं तो सिंघाड़े का आटा भी ले सकते हैं। इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और मैश करेंगे। ये देखें, मैंने अच्छा बारीक इसको मैश कर लिया है। आप इसे कद्दूकस से भी मैश कर सकती हैं और छन्नी में रगड़ रगड़ के भी मैश कर सकती हैं, हाथ से भी मैश कर सकती हैं, लेकिन बिल्कुल बारीक होना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर डालते हैं और इसे मिक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं कितना कॉर्नफ्लोर जाएगा इसमें। अभी थोड़ा और डाल देते हैं, अभी थोड़ा और डाल देते हैं और फिर मैश करते हैं इसको। अब देखें, ये हमारा आलू का डो बिल्कुल तैयार है। अब इन्हें बनाते हैं। और यहाँ पर हमने कढ़ाई में पानी उबलने रख दिया है, इसके उबाल आने तक अब हम इनको बना लेते हैं। ज़रा सा तेल का हाथ लगा लेते हैं और छोटे छोटे बनाए, आपकी मर्ज़ी है, छोटे बनाए बड़े बनाए। और इनको यहाँ रखते रहें। बस इस तरह से छोटे छोटे गोल गोल बना लें। इस तरह से सभी छोटे छोटे या बड़े जैसे भी आप बनाना चाहें ऐसे बना लें। ये देखें, मैंने सब बना लिए हैं। अब इनको एक बोतल से इसको उठाते हैं और इसमें ऐसे मशरूम का शेप बना देते हैं। बस इसी तरह से सब बना लें। मैंने कुछ ये बना दिया है। बोतल अगर चिपके तो थोड़ा सा तेल लगा लें। इस तरह से मशरूम की तरह से इसका डिज़ाइन बना दें। आलूओं में कॉर्नफ्लोर मिलाते वक्त अगर आपको लगे कि हमारे आलू पतले हैं तो उसमें थोड़ा और मिला लें, और अगर सख्त लगता है तो उसमें थोड़ा पानी डालकर मिला लें। बस इस तरह से बना लें सभी। इधर हमारा पानी भी बॉयल होने लगा है और दिखाते हैं आपको, ये सभी इसी तरह से बना लें। देखें, ये सभी बनकर तैयार हो गए हैं। अब इन्हें दिखाते हैं। पानी भी अच्छे से बॉयल होने लगा है और अब इनको डालते हैं इसमें। अभी तो ये नीचे बैठ जाएंगे, फिर ये ऊपर आएंगे तब। बस सभी को इसी में इसी तरह से डाल दें और फ्लेम हाई कर दें। देखें, ये अब सब ऊपर आ गए हैं। अभी इन्हें 5 मिनट पकाते हैं और फिर निकालते हैं इनको। यहाँ मैंने एक बॉल ले लिया है और उसमें फ्रिज का ठंडा पानी डाल देते हैं। बस ये अच्छे से बॉयल हो गए हैं।
अब चूल्हा बंद करते हैं और इनको निकालते हैं। इनको डायरेक्ट निकाल कर इस ठंडे पानी में डाल देंगे। बस ये सब निकल गए हैं। हमने इनका पानी निकाल दिया है और अब इसमें ट्रांसफ़र करते हैं इनको। ये आधा नींबू है, इसमें हम निचोड़ देते हैं आधा नींबू। ये कश्मीरी लाल मिर्च है आधा चम्मच, ये भी इसमें डाल देते हैं। आधा चम्मच से कम नमक है, ये भी डाल देंगे, क्योंकि नमक हमने इसमें पहले भी डाला था, इसलिए अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल दें। और आधा चम्मच चाट मसाला भी डाल देंगे। और कढ़ाई में हम एक चम्मच के हिसाब से तेल डाल देंगे। अब तेल गरम हो गया, इसमें ज़ीरा डाल देते हैं। ज़ीरे को चटकने देते हैं। और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च भी डाल देते हैं। देखे जी, बहुत अच्छी आलू चाट बनकर तैयार हुई है। आप भी मेरे तरीके को फॉलो करें, बहुत अच्छी चाट बना सकेंगी, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो जाए बनाए, मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।